आइए भक्तों, आज हम आपको माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। मैया चंद्रघंटा की कहानी संतों मुनियों ने है बखानी। लगाओ ध्यान जी, पावन है देखो ये कथा, देवी चंद्रघंटा की कथा। मैया चंद्रघंटा की कहानी संतों मुनियों ने है बखानी। लगाओ ध्यान जी, पावन है देखो ये कथा, देवी चंद्रघंटा की कथा। पावन है देखो ये कथा, देवी चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा इतिहास के अनुसार देवी चंद्रघंटा के रूप का विस्तार भी माँ पार्वती की शक्ति के रूप का ही फल है। माँ चंद्रघंटा शांति और क्रोध का संतुलन रूप है। वह असुरों के लिए क्रोध की ज्वाला और सच्चे साधकों के लिए शांति है। आधा चंद्रमा मस्तक साजे, कर त्रिशूल शंख भी साजे, घंटा सोहे दस है भुजाए, मन को मोहे। ऐसा देवी का प्रतिरूप लगता सुंदर है ये रूप, करे कल्याण रे। पावन है देखो ये कथा, देवी चंद्र घंटा की कथा। मैया चंद्रघंटा पार्वती का ही एक रूप है। राजा हिमालय के यहाँ पार्वती जी ने जन्म लिया। जब ब्रह्मचारिणी रूप में घोर तपस्या करके माँ ने शिव से विवाह करना तय कर लिया, तब इस रूप का आवाहन हुआ था। तो भक्तों सुनिए कथा। शिव ने पाया गौरा निवेदन, होने लगा मधुरम। सोचा मिलूंगा मैं गौरा से, तब शिव आए गौरा से मिलने। शिव के मुखड़े पे मुस्कान, आभा तेज लगाया ध्यान, किया प्रस्थान जी। पावन है देखो ये कथा, देवी चंद्र घंटा की कथा। भक्तों, शिव ने गौरा से मिलने का विचार किया तो उनके साथ उनके गण अहोरी प्रेत भी साथ चले। सहयोगी होने के कारण शंकर महादेव उन्हें मना न कर सके और वह राजा हिमाचल के द्वार पर जा पहुंचे। फिर आगे सुनिए क्या हुआ। शिव जी चले जब उनके द्वारे, जन जन ने देखे थे नजारे। भूत प्रेत भी संग चलते थे, देख शकल देखो सब डरते थे।
भक्तों, शिव जी हिमाचल की नगरी पांव रख चुके थे। जैसे ही वह गौरा माँ के द्वार की तरफ बढ़े, लोग डरने लगे। गौरा जी की मैया मैना रानी तो बेहोश होकर ही गिर पड़ी। राजा हिमालय भी भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। आगे सुनिए। गौरा को ये उचित न लगता, भाया नहीं था रूप ये शिव का। तब गौरा ने शक्ति दिखाई, चंद्र घंटा की छवि तब पाई। माता ने जो बजाई घंटी, दानव भागे सुनकर घंटी हुए हैरान जी। पावन है देखो ये कथा, देवी चंद्र घंटा की कथा। मैया कहती जल रक्त, माँ चंद्र घंटा की जय हो। मैया कहती जल रक्त, माँ चंद्र घंटा की जय हो। भक्तों, इस रूप को देखकर दानव डरकर भाग गए। देवी चंद्रघंटा ने तब अपनी शक्ति पुंज से शिव की भी काया बदल दी और उन्हें भी श्वेत वर्ण देकर एक राजकुमार बना दिया, और फिर उनका रूप सबको मोहने लगा। आगे सुनिए क्या हुआ। शिव ने गौरा शक्ति को जाना, पुंज ये क्या है सब पहचाना। होठों पे मुस्कान थी छाई, राजकुंवर की काया पाई। सबने भय से मुक्ति पाई, देखो सुख शांति सब छाई। ये लो जान जी, पावन है देखो ये कथा, देवी चंद्र घंटा की कथा। मैया कहती जल रक्त, माँ चंद्र घंटा की जय हो। मैया कहती जल रक्त, माँ चंद्र घंटा की जय हो। भक्तों, गौरा माँ ने शक्ति दिखलाकर उस दशा को संभाल लिया। शिवजी ने भी गौरा का दर्शन करके असीम शांति पाई। साथ ही वह ये भी जान गए कि गौरा भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह भी शक्ति रूपेण पार्वती है और उनके लिए ही आई है। शिव शक्ति का रूप है ऐसा, टूटे नहीं जो संयम। गौरा है शक्ति, भक्ति में शक्ति, शक्ति में भक्ति। दोनों ऐसे रूप कहते, घर घर में है पूजे जाते। देखो महान जी, पावन है देखो ये कथा, देवी चंद्र घंटा की कथा। मैया कहती जल रक्त, माँ चंद्र घंटा की जय हो। मैया कहती जल रक्त, माँ चंद्र घंटा की जय हो। भक्तों, इन्हीं कथाओं के आधार पर शिव और गौरा शक्ति पूर्ण शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। गौरा माँ से मिलने के पश्चात शिव कैलाश पर्वत पे आ गए। गौरा माँ के चंद्र घंटा रूप को देखकर वे मन ही मन बड़े प्रफुल्लित थे।
चंद्र घंटा तब नाम है पाया, गौरा का ही रूप समाया। तीसरे दिन इन्हें जाता है पूजा, पूजन का सब शुभ फल मिलता। वंदन पूजन बड़ा महान, भक्तों का करता है। देखो ये कथा देवी चंद्र घंटा की कथा, मैया कहती जनरता माँ चंद्र घंटा की जय हो, मैया कहती जनरता माँ चंद्र घंटा की जय हो। चंद्रघंटा के सुंदर रूप का पूजन करके भक्तों के ऊपर जो गलत अवगुणों की भारी प्रवृत्तियां होती हैं, वह समूलतया नष्ट हो जाती हैं और नवीन चरित्र का निर्माण होता है। ऐसी है माँ चंद्रघंटा की महिमा। एक कथा ऐसी भी आती देवी शक्ति सार बताती, चंद्र घंटा ऐसे भी जन्मी, सर्व देवों ने तीन शक्ति। सुन लो इसकी भी कहानी, मुनियों ने जो है बखानी, सुन लो आज जी पावन है। देखो ये कथा देवी चंद्र घंटा की कथा, कथा अनुसार चंद्रघंटा नाम देवी शक्ति रूप का प्रकट होना देवता और असुरों में संग्राम होने से भी साकार हुआ। कहते हैं असुरों ने देवों को भयभीत कर दिया था, देवों से शक्ति प्राप्त करके वह देवों को ही सताने लगे। असुरों ने जब देव सताए, राजा इंद्र बड़ा मुश्किल में कुछ समझ न आए। मिलके देव सभी हल खोजे, कैसे मुक्ति पाए दुख से, करो निदान जी पावन है। देखो ये कथा देवी चंद्र घंटा की कथा, मैया कहती जनरता माँ चंद्र घंटा की जय हो, मैया कहती जनरता। देवों ने तब योजना बनाकर असुरों का नाश करने हेतु अपनी अपनी शक्ति पुंजों को मिलाकर एक ऐसी देवी को प्रकट किया जो दानवों का संहार करने हेतु उत्पन्न की गई। कथानुसार कहते हैं इस देवी का नाम चंद्रघंटा कहाया। विष्णु ने था चक्र दिया, तब सूर्य ने भी था तेज दिया, सब वाहन सिंह भी सूर से पाया, पाया गदा भी शस्त्र को पाया। कर में था त्रिशूल विशाला, ऐसी देवी रूप निराला,
चंद्र घंटों की कथा। मैया कहती जनरता, माँ चंद्र घंटा की जय हो। मैया कहती जनरता, माँ चंद्र घंटा की जय हो। भक्तों, उस वक्त दानव महिषासुर बड़ा अत्याचारी और बलशाली था। वह समस्त पृथ्वी पर राज्य करने की मंशा से देवों को लगातार हरा रहा था। तब देवों द्वारा बनाई गई चंद्रघंटा नामक देवी ने उसको ललकारा। देवी माँ ने घंटा बजाया, भागे सूरत हर हर साई गूंजा गान जी। पावन है देखो ये कथा, देवी चंद्र घंटा की कथा। मैया कहती जनरता, माँ चंद्र घंटा की जय हो। मैया कहती जनरता, माँ चंद्र घंटा की जय हो। महिषासुर ने चंद्रघंटा शक्ति को ललकारा, तब माँ ने उसे युद्ध में पराजित करके उसका त्रिशूल द्वारा वध कर दिया। तब से इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। महिषासुर दानव के मरने से सभी देवता प्रसन्न हुए। धर्म ध्वजा जग में लहराई, विपदा से थी मुक्ति पाई। संकट सारे टाले माने, जीव सभी प्रतिपाले माने। देवों ने तब वंदना गाई, पुष्पों की वर्षा करवाई, गूंज जय गान जी। पावन है देखो ये कथा, देवी चंद्र घंटा की कथा। भक्तों, देवों द्वारा बनाई गई शक्ति की जीत हुई और देवों ने दानवों के अत्याचार से मुक्ति पाई। तो ये है माँ चंद्र घंटा की कथा, जिनकी महिमा बड़ी ही निराली है। भक्तों को असुरी प्रवृत्ति से बचाकर सत्कर्मों की राह पर चलने का संकेत देती है। विधिवत कर लो माँ का पूजन, तन मन धन सब कर दो अर्पण। मन शुद्धि भी माता करती, अब गुण की छाया को हरती। कृपा सब पे है बरसाती, देखो सबको पार लगाती, करे कल्याण जी। पावन है देखो ये कथा, देवी चंद्र घंटा की कथा। मैया कहती जनरता, माँ चंद्र घंटा की जय हो। मैया कहती जनरता, माँ चंद्र घंटा की जय हो।
देवी बड़ी ही शक्तिशाली है। भक्तों के सब दुखों को हरने वाली देवी चंद्रघंटा को नवरातों में अवश्य पूजना चाहिए। मानव को भय से मुक्त करने वाली ये देवी बड़ी ही महान है। आइए इनका वंदन करते हैं। महिमा माँ की जो भी गाता सच्चे मन से सुनता सुनाता भक्तों